देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था तोशाखाना केस में, जो कुछ मामले ने कल ड्रामाई मोड़ इख्तियार किया। उमर फारूक साहब ने जिस अंदाज से कल बहुत सी चीजों का खुलासा किया, बहुत से सवालात भी खड़े हुए, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मामलात के ऊपर से पर्दा उठाया गया। किस तरीके से तोशाखाना के तहरीक की मुंतकली होती है, किस तरीके से खान साहब ने इसको अपनी एसेट्स में डिक्लेयर किया, तमाम तरह सवालात का जवाब भी दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब महमूद मौलवी साहब, मेंबर कौमी असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जरा इनसे जानते हैं कि जो आखिरी मामला हुआ कल, ड्रामा मोड इख्तियार किया, वो आखिर कैसे पेश आया। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। नवीन मौलवी साहब, ये कल ड्रामा एक हुआ, एक ड्रामाई मोड़ इख्तियार किया तोशाखाना केस के हवाले से। उमर फारूक साहब आए, उन्होंने जिस अंदाज से जो सूरत हाल बयान की, क्या ये मामला हुआ तोशाखाना केस में और किस तरीके से तहरीक मुंतकिल होते हैं तोशाखाना केस में के? देखिए, तोशाखाना केस को अगर आप ये देखें कि ये चीजें, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि ये चीजें खान साहब को मिली नहीं है और इन्होंने तोशाखाना से खरीदा नहीं है जी। अब इन्होंने देखे, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए कैबिनेट डिवीजन ने अप्रूव की जी। अब चाहे ये 100 करोड़ का हो, चाहे ये 200 करोड़ का हो, कैबिनेट डिवीजन अगर किसी चीज की कीमत 10 करोड़ लगा रही है और उसके 20% तो देना है, वो दिया गया है, ठीक है ना, और उसके ऊपर टैक्स भी दिया गया, कैपिटल गेन टैक्स भी दिया गया। तो देखे ना, अब बहुत सी प्रॉपर्टीज है, अगर आप इस पर देखें तो प्रॉपर्टीज होती है वो 50 करोड़ की होती है, लेकिन उसका जो वैल्यू डिक्लेयर है उसी के ऊपर इनकम टैक्स भी ले रहा है ना। तो महमूद मौलवी साहब, एक सवाल है कि ये जो तोशाखाना में जो घड़ी जो मुंतकिल हुई है, जो बेची गई, ये आज तो नहीं बेची गई, गालिबन कम से कम भी 6 माह 8 माह पहले बेची गई होगी। तो जब ये जो सूरत हाल 6-8 माह पहले हुई थी, तो उमर फारूक साहब अब क्यों मंजर आम पे आए, अब कैसे ये सारी सूरत हाल के ऊपर खुलासा किया, 6 माह पहले भी किया जा सकता था। देखिए, यही तो कहने की चीज है। देखिए, मैं आपको बताऊं, घड़ी बिकी है, घड़ी बेची गई है, इसमें कोई खरीदी गई है तोशाखाना, इसको तो आपने तहरीक इंसाफ की क़यादत भी डिनाई नहीं करी ना, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने घड़ी खरीदी और हमने इसको एज पर लॉ बेची है, खत्म हो गई बात जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अब कितने की थी, हमने क्यों बेची, देखिए ना, अगर जो है कोई आदमी अपनी चीज बेचना चाहे तो इसमें कबात कहाँ है सर? मैं यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि कबात नहीं है, कानून इजाजत देता है, तो फिर इस तमाम तर सूरत हाल को ड्रामा रंग देने के पीछे के मकासद क्या है, क्या वजह है कि ये तमाम तर मामला इतना तूल पकड़ रहा है? देखिए, ये ऑपोजिशन की, देखिए, ये ऑपोजिशन को एक इशू बना के खड़ा किया हुआ है, इसमें वो जो है ये साबित करना चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब भी हमारे जैसे हैं, ये मेन इशू है और कोई इशू नहीं है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो है हम और इमरान खान साहब वो एक जैसे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल एज पर लॉ बेच लिया है, एज पर लॉ बेचा। सर, उमर फारूक साहब फरमा रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने, फराह गुजर साहिबा ने मुलाकातें की हैं उनसे, बाकायदा एक ट्रांजेक्शन हुई है और वो उसके मनी ट्रेल भी रखते हैं, तो मुझे ये समझाएं कि अगर ये सारे सबूत उनके पास थे तो ये 6 माह तक क्यों नहीं सामने आया, और अगर शहजाद अकबर साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, वो तो असर इन तमाम तर मुलाकातों से इनराफ करें, वो तो नहीं तस्लीम करते इन मुलाकातों को। देखे ना, आप कोई भी कह सकता है कि मैं मेरी क्या, देखिए एक चीज, या तो कोई एविडेंस दे दे, वीडियो एविडेंस दे दे, कोई चीज एविडेंस दिखा दे ना कि जी ये वीडियो एविडेंस है, वो आए थे, ये बैठा, ये डील हुई, ठीक है ना, ये पेमेंट चेक से किया। अब मैं कह दूंगा जी मैंने 100 करोड़ रुपए इसको दिया और 200 करोड़ रुपए उसको दिए, ऐसे कहने से थोड़ी चलेगा। तो महमूद मौलवी साहब, एक सवाल ये भी किया जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे, कि उस तस्वीर में खाना काबा की तस्वीर बनी थी और खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, घड़ी बड़ी मुकद्दस थी, इस वजह से भी इसको बेचना गलत करार दिया जा रहा है। मेरा तो ये सवाल वैसे भी है कि आमतौर पे बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं, शोपीस होते हैं, जानमाज होते हैं, जिनके ऊपर खाना काबा का अक्स होता है, तो वो भी फरोख्त किए जाते हैं, तो क्या इसके ऊपर भी कोई कानूनी ममानियत है, क्या वो चीजें नहीं फरोख्त की जा सकती? नहीं, देखिए ये तो मेरे ख्याल से, देखिए ये एक इशू है, आप देखे ना ऐसे बहुत सी चीजें हैं। देखिए, हमारे लिए खाने काबा से ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, अहम कोई चीज नहीं है मुसलमान, नो डाउट अबाउट दैट इसमें, मगर आप ये देखें ना जो गिलाफ काबा है जी, ठीक है ना,
गिफ्ट मिलते हैं ना लोगों को, जी बिल्कुल, और वो भी आप ये देख रहे हैं 6% होते हैं। तो महमूद मौलवी साहब, यही तो सवाल है, क्योंकि हम खाना काबा के अक्स की बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं जो बाकायदा मार्केट्स में फरोख्त होती हैं, इस चीज को इशू बनाना क्या ये मेरे क्या ये सही होगा? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है ऑपोजिशन का, तो मैं कहूंगा कि देखिए ऑपोजिशन कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा मैं क्या कहूंगा। देखिए कोई हम डिनाई कर रहे हो ना, अब हाँ हमने सस्ती बेची है, महंगी बेची है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। देखिए ना, ये बेचने वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना, अगर वो 100 करोड़ किसी 10 करोड़ में बेचता है या 10 करोड़ किसी 1 करोड़ में बेचता है, एज पर लॉ होता है। सर एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है महमूद मौलवी साहब, जो वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट उस प्रोग्राम में दिखाया गया वो भी एक दिन पहले का वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट था, तो क्या ये वैल्यूएशन रातों रात करवाई गई जो एक दिन पहले की उसकी तारीख दिखाई दे रही है? देखिए अब वो मैं इस पे मैंने क्योंकि देखा नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए अगर आप गूगल पे इसकी वैल्यूएशन देखें तो इसकी वैल्यूएशन $5 मिलियन की आ रही है। आप गूगल के ऊपर ये कंपनी का दाने $5 मिलियन की निकलिया है, वो तो 100 करोड़ की हो गई। और महमूद मौलवी साहब, अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है कि उमर फारूक साहब के हवाले से दुबई में और जो मुबैना तौर पे जो मीडिया हाउस है उसके हवाले से लंदन में कार्रवाई की जाएगी, तो अब ये कानूनी मामला इस तरीके से तय किए जाएंगे? देखिए ये तो हमारा जो है लॉयर्स के जो वो कमेटी बैठेगी उसके ऊपर देखेगी कि कैसे कानूनी क्या केस बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, उसके ऊपर तो मैं कोई इस वक्त। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने वक्त दिया और तमाम तरह सूरत हाल से आगाह किया, और यकीन तौर पे ये जो सूरत हाल है, ये जो मामलात हैं, ये बहुत अहम है। और साथ में अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में मौजूदा सिनेरियो में जो तोशाखाना केस, एक ऐसा केस इस वक्त सामने आ रहा है जिसमें कोशिश की जा रही है कि बहुत से मामलात को उलझाया जाए, क्लैरिटी ना आने दी जाए, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत से फरीकैन हैं जो ये कहा जा सकता है कि शामिल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा यकीन तौर पर वक्त बताएगा, लेकिन बहुत से अहम सवाल आते हैं जो मैं उठाता रहा हूं। और ये बात बहुत अहम है कि अगर ये जो घड़ी की बात की जा रही है, आज से 6-8 माह पहले फरोख्त की गई, तो फिर क्यों अब तक इसके हवाले से सूरतेहाल मंजर आम पे ना लाई गई? जिन शहाब ने कल रात आके ये तमाम तर चीजों का खुलासा किया वो 6 माह पहले भी आके कह सकते थे, वो 3 माह पहले भी आके कह सकते थे। दूसरा सवाल ये कि खाना काबा का अक्स अगर किसी चीज पे हो तो क्या वो चीज बेचना उसकी शरई तौर पे मुमानियत है या कानून उसकी इजाजत नहीं देता? तो एक आम फैम में तो ये नजर आता है कि इस तरह के बहुत से शोपीस जाय नमाज और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर खाना काबा का अक्स मौजूद होता है, जो कि भरे बाजार बिकती हैं, हम सब खुद खरीदते हैं, उसके ऊपर जब कोई सवाल नहीं उठाया जाता तो फिर इसके ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? तीसरी सबसे अहम बात जो वैल्यूएशन की बात है, वो वैल्यूएशन आखिर कैसे की गई? ये वैल्यूएशन जब कराई गई कैबिनेट की जानिब से तो कैबिनेट डिवीजन ने इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से कराई, और अगर वो गलत थी या सही थी तो उस वैल्यूएशन कराने के पीछे जिम्मेदारी किसकी आयद होती थी? ये एक अहम सवाल है। और अगर आज वो वैल्यूएशन उसकी कुछ और है तो क्या ये मुमकिन है कि वैल्यूएशन में तब्दीली हुई और जो वैल्यूएशन अब दिखाई जा रही है वो कितनी ऑथेंटिक है कि उस वैल्यूएशन को कोट किया जा सके या उसको रेफरेंस पॉइंट माना जा सके? उम्मीद करते हैं कि सवालात जो हम उठा रहे हैं उसके जवाब मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान उन्होंने इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।